हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं अपने रेफ्रिजरेटर की क्लीनिंग कर रही थी और इसको मैंने रीअरेंज भी किया हुआ है। ये जो जितने साइड डब्बे देख रहे हैं ना, ये सब मैंने मीशो से इस बार शॉपिंग की है, क्योंकि मुझे अरेंज करके चीज़ें रखना बेहद अच्छा लगता है। और ये भी मैंने मीशो से मंगवाया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ और बहुत ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि आप कुछ भी रखोगे तो आपको दिखाई देगा। एंड यहाँ पर भी मैंने कुछ कुछ पॉलीथीन बैग्स मंगवाए हैं, जिसमें कि सब्जी आप रखते हो तो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहती है। तो इस तरीके से मैंने अपना रेफ्रिजरेटर अरेंज किया है। आपको कैसा लगा आप बताइएगा मुझे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 hours later. तो गाइज, हम लोग आ गए हैं मार्केट, और ये जो मार्केट है ना, इसको साक्षी मार्केट कहते हैं। मैं आई हूँ यहाँ पे, कुछ मुझे बेडशीट खरीदने थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज संडे है तो मार्केटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे हम बेडशीट देख रहे हैं। वैसे तो मैं मीशो और फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी देख रही थी, लेकिन मुझे उसमें दिक्कत क्या होती है ना, कि बेडशीट जो आप मंगवाते हो वो प्योर कॉटन की नहीं रिसीव होती, और अगर कॉटन नहीं होगा तो वो बेड पे ठहरता नहीं है, क्योंकि मेरे घर में पेट्स भी हैं तो मुझे वैसे ही देखना होता है। तो हमने यहाँ से शॉपिंग कर ली है और अब चलते हैं आगे, जो भी लेना है लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आके रुक गई हूँ, एक इयररिंग की शॉप थी, और पता है गाइस, यहाँ पर जितनी इयररिंग्स दिख रहे हैं सब 99 रुपीज़ के अंदर के हैं। तो मैंने यहाँ से 2-3 जो है वो इयररिंग्स झुमकेस भी लिए हैं, क्योंकि मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा बहुत चाहिए होता है, क्योंकि मैं गोल्ड उतना ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करती हूँ। फिर मुझे यहाँ से रेडीमेड ब्लाउज़ की शॉप दिख गई, तो मैंने सोचा चलो अपनी छठ की साड़ी की मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ब्लाउज़। तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया, वैसे आपको कौन सा पसंद आ रहा बताइएगा मुझे। इसके बाद मैं आ गई थी लहठी लेने के लिए, जो लाह की चूड़ी होती है, बट मुझे पसंद नहीं आई। अब क्या है कि इसके बाद वीडियो मैंने बना नहीं पाई गाइस, थक गई थी मैं, नेक्स्ट डे हो गया, और आज मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब था, बिकॉज ऑफ आज मेरे हस्बैंड के साथ सुबह मेरा थोड़ा सा बहस हो गया था, मतलब झगड़ा ही बोल सकते हैं उसको, और मूड मेरा इसके वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब था, और मैं ऑफिस भी नहीं गई गुस्से से। क्या होता है ना, काम कर कर के दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब घर के भी काम, ऑफिस का भी काम, मतलब इंसान है ना, कभी कभी इरिटेशन होने लगता है, लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना, मतलब अब चले जाए कहीं। और मुझे तो कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है खुद की लाइफ से, कि बस सब सब छोड़ दो और चले जाओ, क्योंकि मतलब आपको चाहिए होता है, पीस चाहिए होता है, जो आपको मिलता नहीं है। तो इसीलिए आज मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मेरे को नहीं जाना ऑफिस ऑफिस, जितना काम करके मेरे को कोई बेनिफिट नहीं, क्या करूँगी मैं इतना काम करके। मतलब मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने कहा कि चलो खाना ही बना लेते, कुछ काम तो है नहीं तो खाना ही बनाते हैं, और क्या करेंगे। और उसके बाद मैं खाना बनाने आ गई, तो यहाँ पे मैंने जो मसाला लिया है ना, वो सरसों का मसाला है। इसमें थोड़ा सा पोस्तू है, काला सरसों है, पीला सरसों है, लहसुन है और हरी मिर्च है, इसी का पेस्ट मैंने बनाया है। और सहजन, बैंगन और आलू तीनों की मिक्स सब्जी और चावल बना रही हूँ। आज मैं दाल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हम दोनों सास बहू ही हैं खाने वाले, तो हम लोग चावल और सब्जी खा लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं मसाले में क्या हल्दी और मिक्स मसाला थोड़ा ऐड करके इसको छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए मसाले में, इसको मिला के अच्छे से। तो ये मेरा पूरी तरीके से पेस्ट रेडी है। और ये पता है, ज़्यादा मसाला खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे सरसों का मसाला आप किसी भी सब्ज़ी में डाल के बनाओगे ना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और आपके उधर टमाटर कैसे हैं गाइस? हमारे यहाँ जमशेदपुर में टमाटर तो अभी 60 रुपीज़ केजी चल रहे हैं, मैंने तो सुना है कहीं कहीं पे 100-100 रुपये किलो हो गए हैं, और सब्ज़ियाँ तो वाकई में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, मतलब इंसान क्या खाए कुछ समझ नहीं आता है। और मैं तो अभी घर में रह रही हूँ, घर के काम तो वैसे मैं पहले करती थी, लेकिन अभी प्रॉपरली घर पर रह के मैं काम कर रही हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि घर का काम इतना ईजी नहीं है भाई साहब, जितना दिखता है बहुत काम है, इससे ईजी तो मेरे को ऑफिस का काम लगता है गाइस, सीरियसली। लंच अपना बना ली हूँ, इसमें बैंगन सहजन की सब्जी है, ये कल की ओल की सब्जी और चावल, आज मेरा लंच यही होने वाला है। लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैंने क्या क्या शॉपिंग की है ना। A few moments later. हाँ तो गाइस, कल मैं गई थी मार्केट, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग किया है। देखिए, इतना सारा शॉपिंग करके मैं वन टाइम में ही पूरे साल भर का बेडशीट खरीद लेती हूँ, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। देखिए, एक मैंने ये वाली बेडशीट खरीदी है, मतलब मेरे को बहुत मन था ना कि मैं बहुत एक अच्छा सा बेडशीट खरीदूँ, तो ये बेडशीट मैंने लिया है। इसमें पिल्लो कवर भी है और इसका कुछ इस तरीके से पैकेजिंग किया हुआ है, आपको मैं बता दूँ, ये देखिए
इस तरह का, बहुत मोटा कपड़ा है ये, तो मैंने ये वाली बेडशीट खरीदी है एक, और ये मुझे पड़ी है 900 रुपीज़ की। इसे पिल्लो कवर 2 पीस दिया हुआ है, और एक बेडशीट मैंने ये वाली खरीदी है, ये जो हमारे हर किसी के घर में होता है जो मोटा वाला कॉटन होता है ना वो वाला, और ये मैंने लिया है दीपावली और छठ में इसको मैं बिछाऊंगी, जब मैं आपको इसका पूरा दिखाऊंगी, ठीक है। और एक मैंने ये वाला लिया है, आपको मेरी चॉइस कैसी लगी तो बताएगा, पूरा खोलूंगी ना तो मेरे लिए फिर उसको ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये एक मैंने लिया है। कैसा लगा तीनों कलर बताइएगा मुझे। एक्चुअली ये वाला जो कलर है ना ये मेरे हस्बैंड का पसंद का है, ये मैंने नहीं पसंद किया है, और ये दोनों जो बेडशीट है वो मैंने पसंद किया, मेरे हस्बैंड ने नहीं पसंद किया है। एक ये है और दूसरा चीज़ मैंने लिया है ये देखिए, ये मैंने रेडीमेड एक ब्लाउज खरीदा है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये साड़ी एक्चुअली में जो मेरी मौसी ने दिया था जब वो वृंदावन गई थी तो वहाँ पे उनको मिला था ये साड़ी, तो उसका मैंने ये वाला एक ब्लाउज रेडीमेड ले लिया है। देखिए आगे में हुक्स दिए हुए हैं और कप नहीं है इसमें, सिंपल जैसे ब्लाउज होता है ना वैसे भी मैं कप वाले नहीं पहन। ये वाला एक मैंने ब्लाउज लिया है, कैसा है बताइएगा। और ये जो मुझे पड़ा है गाइस, ये मुझे 350 बोला था, मैंने 300 में बार्गेनिंग करके लिया है कि 300 में मुझे ये ब्लाउज मिल गया, और आज के टाइम पे अगर इसको सिलवाने जाओ तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसमें अस्तर दिया हुआ है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्लाउज है। और ये जो बेडशीट मुझे मिले हैं ये मुझे 550 बोला था लेकिन मैंने 500 में ले लिए हैं, और वो तो मैंने आपको प्राइस बता ही दिया। तो यही थी मेरी कल की शॉपिंग, एंड आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा मुझे, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय गाइस, मैं मिलती हूँ।